तो यहाँ पे हो रही है तैयारी, पैकिंग किसकी? इस लड़के की, जो हर दूसरे दिन मुंबई जाता है। अब ये मुंबई इसका सेकंड होम हो गया है, मुझे लग रहा है वहां पे भी एक फ्लैट ले लेना चाहिए। और एक्साइटमेंट लेवल देखो, अभी फिलहाल नहीं है बेचारा, सारी रात एडिट करी, दो नाइट्स नो स्लीप, बेचारा इतना स्लीपी स्लीपी हो रहा है, पर फिर भी जाना पड़ेगा मुझको, जाना पड़ेगा। मुझे सोने दो, मुझे छुट्टी दे दो। ये सब क्या डाल रहे हो? ये नहीं चाहिए शर्ट। अरे यार, इतनी वो दो बैग भर के शॉपिंग करके लेकर आया था, उनमें से कुछ दो ना। वो सारी सर्दियों वाली शॉपिंग थी, अब तू मुंबई जा रहा है, वहाँ सर्दी नहीं होती। अरे बट ये शर्ट दोगे यार? ये शर्ट ये तेरी फेवरेट शर्ट? अरे कौन सी फेवरेट हो गई, ये कब फेवरेट हो गई मेरी? अच्छा ये खत्म? अरे ठीक है भाई, सबसे बुरी शर्ट निकाली पूरी अलमारी में से आपने भी। ये कल ही लेके आए हैं। हाँ ये तो डालो, अभी तक बैग में सिर्फ काला है। नई जीन, ये भी काली, काली काली है। ये देख, नई शर्ट है, जैकेट है, जैसे मर्जी पहन लो। नानू थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखा ले, आज तो पहली बार तू बिजनेस क्लास में तू जा रहा है, अब तो खुशी। और ये मेरा छोटा बच्चा देखो, टिफिन भी साथ लेके जा रहा है, कह रहा मम्मी 4 दिन आपके हाथ का खाना नहीं मिलेगा, इसलिए पैक कर दो। तो मैंने इसको इसमें पैक करके दिया है, देखो। थैंक यू। मैं बिजनेस क्लास में जाने के लिए कल इतना एक्साइटेड था, पर अभी मैं इतनी नींद में हूँ ना, प्लेन में सो जाएगी बस जाके। कैब नीचे आ गई है। ओके। अब मिलेंगे गाइस, बाकी का व्लॉग मुंबई का, मुंबई में। बाय गाना जी, क्या कह रहे हो आप? ये लाइन थी फ्राइडे की, हम ऐसा वेट कर रहे थे बिना बात के। ओके, हम जाने ही लगे थे और फिर वहाँ से वो भैया आए और उन्होंने आके क्या बोला कि सर आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, नीचे लाइन ज्यादा है, आप बिजनेस वाले हैं, आराम से जाइएगा। यू नो बिजनेस क्लास, यू नो फर्स्ट टाइम ट्रेवल, मी गो बॉम्बे मीट हिजू भाई, मी यू नो वेरी बिग चौड़। चलो एक चीज की तो अच्छी बात है, लेग रूम बहुत ही ज्यादा है और रिक्लाइनर भी है। अरे वाह, ये बिजनेस प्लान। हाय द वे, एप्पल जूस है। ओके, सच में एप्पल जूस है। फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, तो या दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर माय बिजनेस क्लास एडवेंचर। अभी हम लैंडिंग के बाद मिलते हैं। ओके बाय। पहुंच गए भाई, पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट, पहुंच गए हैं। और ये भैया जी, निश्चय। हेलो भैया, हाय। ट्रिगर्ड निश्चय मलान, ये तो हमें स्पेलिंग गलत है। क्यों सही मलन? अरे मेरे नाम का एच खा गए। सॉरी सर। नहीं सॉरी क्यों बोल रहे हो भैया? कोई नहीं भैया, सॉरी बोलने लग गए और मेरी मास्क से नाक छिल चुकी है, लाल हो रही है ऐसे पकौड़े जैसी, पहन के रखता हूँ। जाएंगे एयरपोर्ट और करेंगे चिल, माफ कीजिएगा, जाएंगे होटल और सो जाएंगे बोलना था, पर वही है ना, 2 दिन से सोया नहीं हूँ तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा चश्मा कहाँ है ये भी नहीं पता, नीचे किसी का मास्क गिरा हुआ है, क्यों गिरा हुआ है, और मेरा चश्मा ये रहा। मैं, मेरे को लग रहा है मैं मेंटली थोड़ा सा वो हो चुका हूँ, हिल चुका हूँ मैं। अच्छा बाय द वे, मेरे को बिजनेस क्लास को रिव्यू करना था, मेरे को तुमको चीजें बतानी थी। तुम्हारा भाई पहली बार बिजनेस क्लास में बैठा है, एडवेंचर्स तो शेयर करेगा, लेकिन यहाँ बहुत शोर है। एक डिफरेंस बताता हूँ तुम्हें बिजनेस क्लास में और नॉर्मल वाली में, जो नॉर्मल वाले आ रहे थे ना उनकी टिकट स्कैन करके उसने थैंक यू फॉर कमिंग सर नहीं बोला, पर जब मेरी टिकट उसने बिजनेस वाली करी ना तो एकदम से बोलता है थैंक यू फॉर कमिंग सर, हैव अ सेफ फ्लाइट। अच्छा बिजनेस में ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ग्रीटिंग्स मिलती हैं। भैया हमको कोई उठा के ले जाओ, मेरे से चला नहीं जा रहा। भैया गाड़ी ले आओ इधर, भैया प्लीज, भैया आपने मेरे नाम के स्पेलिंग गलत लिखे थे, अब गाड़ी ले आओ। हंस रहे हैं भैया, पर मैं तो सीरियस बोल रहा था, मैं थक चुका हूँ भगवान मेरे। अरे वाह, बड़ी गाड़ी आई है, उठाए हमको पिकअप करने। चलो भाई मेरा सोने का वक्त, उठूंगा फिर देखेंगे। A few inches later. Okay, so ये है वो होटल जहाँ पे हम रुकने वाले हैं, एंड ये होटल बढ़िया है, जा रहा हूँ मैं रूम में एंड सोएंगे भाई।
ऑल राइट, कमरे के अंदर आ चुके हैं, ये लाइट, लेट्स गो एंड वी आर इन द बेडरूम। हम यहाँ ओहो यहाँ लगा देता हूँ मैं। या सो गाइस, पहुंच चुके हैं हम अपने होटल में, अपने कमरे में, और मैं टोपी नहीं उतार सकता, मेरे बाल बहुत ही ज्यादा झंड लग रहे होंगे। बढ़िया, वेरी वैसे वेरी क्लीन नीट सा कमरा है, आप देख ही सकते हो, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। सी प्रो व्लॉगर ये बैठे गाइस, जहाँ पे मैंने अपना मास्क रख दिया है, यहाँ पे टेलीफोन है, यहाँ पे एक छोटा सा सोफा है जिसके साथ एक टेबल है, यहाँ पे ये ऑफिस टेबल चेयर है, यहाँ टीवी है, एक पेंटिंग है, और इधर पर्दा हटा के क्या व्यू मिलने वाला है हमको, और ये तो कुछ खास व्यू नहीं है, नॉट दैट गुड ऑफ अ व्यू। आई एक्सपेक्टेड कि एकदम सी साइड व्यू होगा जैसे शाहरुख सर के घर से दिखता होगा, बट कोई नहीं। मुझे ना आप लोगों के साथ बिजनेस एक्सपीरियंस शेयर करना था, बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस। बेसिकली देखिए, बिजनेस क्लास और नॉर्मल क्लास में क्या फर्क है। बिजनेस क्लास में आपको बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है, नॉर्मल क्लास में उतना अच्छा टेस्टी डिलीशियस फूड नहीं मिलता। वेरी सॉरी टू से, बट पैसे जितने ज्यादा लेते हैं उसके हिसाब से इट इज जस्टिफाइड, क्योंकि नॉर्मल वाली टिकट होती है मेरे ख्याल से 7,000 से 10,000 के बीच में, और बिजनेस वाली टिकट थी 32,000। डोंट वरी, मैंने खुद के पैसों से नहीं खरीदी है, जिस कंपनी के लिए शूट करने आए हैं हम उन्होंने स्पॉन्सर करा है। भाई साहब, मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में अपने पिताजी से यह सीखी है, जहां पे पैसा बचता है वहां बचाओ। 32,000 रुपए की बिजनेस क्लास की टिकट खरीदना मेरी सोच में भी नहीं है कभी। मतलब पर्पस तो वही अचीव होना है, फ्लाई करके मैंने वहां से भी मुंबई आना है, वो बेशक इकोनॉमी सीट हो या बिजनेस क्लास सीट हो, ऐसा सच कोई मेरे को फर्क समझ आता नहीं है, पर भाई 20,000 रुपए का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। तो मैं तो बस खुश हूँ कि भाई मेरी जिंदगी का सपना था बिजनेस क्लास ट्रेवल करना, जो कि इस शूट की वजह से हो गया है, सक्सेसफुल अचीव हो गया है। हाँ, एक और चीज मेरे को डिस्कस करनी थी, मतलब डिस्कस क्या करनी थी तुम्हें बताना है। तो देखो, इन टोटल बिजनेस सीटें कितनी थी, 8 सीटें थी बिजनेस क्लास वाली, ठीक है। 8 सीटों में सिर्फ मैं, आई वॉज दी ओनली थोड़ा जवान वाला बच्चा, मैं तो वैसे भी 10 ईयर हूँ, 10 ईयर ओल्ड किड, बाकी सारे सीनियर सिटीजन्स थे। 8 सीटों में आई वॉज दी ओनली वन जो 60 साल का नहीं होगा, बाकी सबके सब 60+ थे। डूड, ट्रस्ट मी, सारे सीनियर सिटीजन्स थे। तो भाई बिजनेस क्लास समझ जाओ, वो सारे 60+ वाले ट्रैवल करते हैं, वो कमा चुके हैं जिंदगी में, फिर बिजनेस क्लासों में घूमते हैं। तो इसका मतलब समझे बच्चों, कमाओ फिर बिजनेस क्लास में घूमो। अभी मैं बहुत बकवास कर लिया, अभी मैं सोने लगा, कल शूट है वैसे भी। The next day. क्या नया आने वाला है, क्या नया आने वाला है। तो गाइस, बहुत ही खुशखबरी के साथ मेरे को आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि मैंने जो है नई मस्टैंग ले ली है, येलो कलर की। अभी चाबी दो, चलो अभी तुम जा सकते हो। गाइस, अभी हम लोग को पार्टी कब मिल रही है बताओ। अभी आप जाओ, मैं घर पहुंचता हूँ, फिर पार्टी की बात करते हैं। चलो, दिल्ली जा रहे हो तुम? चलो आप जाओ, ठीक है, जाओ, चलो जाओ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है हमारी मस्टैंग है, भगवान की कृपा से मेहनत करके खरीद ली है। अरे भाई, आप घर नहीं गए अभी तक? नहीं नहीं, अभी ऑटो बुलाया है, ऑटो में जाएंगे। आप घर चले जाओ, ये मैं खुद ले आऊंगा, ठीक है, बंद तो कर ले भाई। तो गाइस आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं अमीरी, ऐसी दिखती है अमीरी, चोरी की गाड़ी है। और गाइस आप देख सकते हैं, ये मॉर्टल का हम शक्ल नहीं है, ये खुद ये एक्चुअल मॉर्टल है। इस बार फाइनली हम फर्स्ट टाइम मी कम टू मुंबई। मेरे को ढूंढते किसी और के पास, मैं पहले इनको ढूंढने गया था, तो मी मेट समबडी एल्स, बट दिस टाइम फिजू भाई सच में मिल गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे मेन शूट होने वाला है, वो सेट देखने। मुझे लगा ये सेट था। ओह माय गॉड, यहाँ पे मैं, कैरी, स्काउट और कॉन्स्टेंट चारों बैठने वाले हैं प्ले ग्राउंड वो, और यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं उनके हमें वो देखने वाले हैं जो वो करेंगे चीज़ें। इट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल।